दिस न्यूज इज ब्रॉट टू बाय वानिया होम डेकोर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स दौलतपुर चौक। जिला भर के करीब 1364 आंगनबाड़ी केंद्र करीब 2 साल के अरसे के बाद आज एक बार फिर से खुल गए। 2 साल बाद खुल रहे आंगनबाड़ी केंद्रों में नौनिहालों ने पहली बार अपने स्कूल में कदम रखा। बच्चों के स्वागत के लिए बाल विकास परियोजना के अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा भी अच्छे इंतजाम किए गए थे। नन्हे मुन्नों की स्कूल पहुंचने पर आरती उतारी गई। उन्हें तिलक लगाकर और फूल माला पहनाकर स्कूल में वेलकम कहा गया। इतना ही नहीं, बच्चों का दिल लगाने के लिए जहां बहुत सारे खिलौने जुटाए गए, वहीं उन्हें खाद्य सामग्री देकर भी घर जैसा माहौल बनाने का प्रयास किया गया। खुलने से आंगनबाड़ी खुलने से फर्स्टली तो मेरा बच्चा बड़ा एक्साइटेड है, ठीक है, और उसकी ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छा है। उसको उसकी जो स्किल्स है वो डेवलप होंगी और बच्चों के साथ घुल मिलना सीखेगा। हाँ, बड़ी खुशी की बात है कि आज आंगनबाड़ी के स्कूल खुल रहे हैं। बहुत तो खुशी की बात है, घर में रहकर बच्चे मोबाइल वगैरह देखते हैं, बच्चे बहुत तो होते हैं ऐसे स्कूल में आकर, ज़्यादा बच्चे पढ़े लिखे। लगभग 2 साल के बाद आंगनबाड़ी सेंटर्स में बच्चे आज आए हैं, और इन 2 सालों में हमारे आंगनबाड़ी सेंटर्स खुलते थे, आंगनबाड़ी वर्कर्स आती थी, लेकिन बच्चे आना अलाउड नहीं थे। आज और सुने सुने सारे आंगनबाड़ी सेंटर्स थे यहाँ पे, और कोशिश की जा रही थी कि बच्चों के साथ ऑनलाइन कनेक्ट किया जाए, लेकिन वो बात बन नहीं रही थी। इतने छोटे बच्चों को प्री स्कूल एजुकेशन की एक्टिविटीज़ कराना या बाकी गतिविधियाँ या और कुछ सिखाना, तो ये आज हमारे लिए बड़ी हर्ष और खुशी की बात है कि बच्चे हमारे आंगनबाड़ी सेंटर्स में आए। और जैसे पहले 2020 से पहले एक्टिविटीज़ हमारी होती थी, पूरी गतिविधियाँ होती थी, उस तरह दोबारा ये आज शुरू की जा रही है। इसमें सरकार का भी मैं थैंक्स कहना चाहूँगा, और कोविड जैसे जैसे पीछे हटा है और इस तरह का जो डिसीजन लिया है, ये बहुत ही बच्चों की, बच्चे जो घर में बोर हो रहे थे अब वो बोर होना बंद हो जाएंगे, और हमारे आंगनबाड़ी सेंटर्स में भी चहल पहल रहे। आज हम तो बहुत ज्यादा खुश हैं कि आंगनबाड़ी खुल रही है, क्योंकि बच्चों की ग्रोथ नहीं होती घर में रहकर, या तो फोन देखेंगे या फिर मोबाइल देखेंगे। थोड़ा ऐसे होता है कि आंगनबाड़ी आते हैं तो यहाँ पे, एक्चुअली मैंने पहले भी बहुत नोटिस किया था, यहाँ पे बहुत सारे ना डिफरेंट तरीके आर्ट्स किए गए हैं, काओ है, वेजिटेबल्स के हैं, फ्रूट्स के हैं, नेम्स वगैरह लिखे गए हैं, बहुत अच्छे के बच्चे इन्फ्लुएंस होते हैं उधर को देख के, ये क्या है। मैंने बहुत बार देखा कि हम इसको लेकर के आते थे, इनका वेट किया जाता है एवरी मंथ जो है, तो जब हम इसको लेके आते थे तो हमारी बेटी पूछती थी कि मम्मा इसको क्या बोलते हैं, ये क्या होता है, आप देख रहे हो काओ है, ये कितने ब्यूटीफुल है। तो मतलब कि बच्चों को सीखने को मिलता है, डिफरेंट तरीके की चीज़ें होती हैं, हम उन चीज़ें घर में नहीं कर पाते हैं, इसलिए तो मैं तो बहुत खुश हूँ कि आंगनबाड़ी खुल रही है। थैंक यू बड़ी के लिए। बच्चे आ साइड में ए छी चलो अरे बेटा आजा, अरे गुड़िया नहीं हैंड के साथ गिर गई नहीं आप, मैं आलो आराम से बेटा साइड में हेलो बेटा। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए ऊना से मुरिंदर अरोड़ा के साथ वी कौंडल की रिपोर्ट। वानिया होम डेकोर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड बाबा नीम करोली एंटरप्राइजेस लखनपाल्स नियर लेकी हॉस्पिटल चले दौलतपुर चौक 7807507573। अब वानिया होम डेकोर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स से खरीदे सस्ते दामों पर उत्पाद। नगर पंचायत दौलतपुर चौक एवं आसपास के गांव के लोगों को बिल्डिंग मटेरियल, घर की सजावट एवं इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादों की खरीद हेतु पंजाब के शहरों का रुख नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि दौलतपुर चौक में ही लेकी अस्पताल चलेट के नजदीक वानिया होम डेकोर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से नया शोरूम खुल गया है, जिसमें बाजार से सस्ते दामों पर लेटेस्ट खूबियों वाले टीवी, फ्रिज, एसी, वॉशिंग मशीन्स, इन्वर्टर, पंखे, कूलर, गैस स्टोव, एलईडी लाइट्स, म्यूजिक सिस्टम, ट्रिमर इत्यादि उपलब्ध हैं।
देश विदेश की नामी कंपनियों पैनासोनिक, उषा, सनफ्लेम, ओरिएंट, सनसुई, ल्यूमिनस के प्रोडक्ट्स का विशेष ऑफर दिया जा रहा है। इसके अलावा बाबा नीम करौली एंटरप्राइजेस में होम डेकोरेशन हेतु वॉल सीलिंग, एलईडी पैनल, मॉड्यूलर किचन टेक्सचर, पेंटिंग, सीमेंट, सरिया, आयरन शीट्स एवं पाइप्स, पेंट, सीलिंग एवं बिल्डिंग मटेरियल पर स्पेशल डिस्काउंट दिया जा रहा है। ज्यादा जानकारी हेतु ग्राहक 7807507573 पर संपर्क साध सकते हैं।